संस्कार धानी कहे जाने वाले जबलपुर में नहीं रुक रहा अपराध का ग्राफ। अपराधियों पर नहीं लगा पा रही है पुलिस लगाम, जिसके चलते आए दिन हो रहे अपराधियों के हौसले बुलंद। गोरखपुर थाना अंतर्गत साई नगर में देर रात हथियारों से लैस बदमाशों ने दो घरों पर हमला किया और इन घरों के अंदर खाना खा रहे लोगों के ऊपर हथियारों से हमला किया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। इनमें एक 5 वर्षीय बालक भी है, जिसे चाकू मारे गए हैं। मृतक विजय उर्फ पुष्पराज सिंह कुशवाहा भाजपा का पूर्व बूथ अध्यक्ष है। बदमाश लगभग 2 घंटे तक आतंक मचाते रहे और खूनी खेल खेलते रहे, लेकिन इस दौरान पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। साई नगर में रहने वाले विजय उर्फ पुष्पराज सिंह कुशवाहा का नाली से पानी बहने को लेकर अपने पड़ोसी विनय कुशवाहा से कुछ दिन पूर्व विवाद हुआ था, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी गई थी। इस बात से विनय कुशवाहा बेहद नाराज था और बदला लेने की नीयत से देर रात अपने लगभग 1 दर्जन साथियों के साथ विजय उर्फ पुष्पराज के घर पहुंचा और दरवाजा खुलवाने के बाद सभी बदमाशों ने उसके घर के अंदर प्रवेश किया और घर में मौजूद सभी लोगों पर तलवार और चाकू से हमला कर सभी को बुरी तरह से घायल कर दिया। इस दौरान बीच बचाव कर रहे विजय उर्फ पुष्पराज की हत्या कर दी गई। इसके बाद बदमाश बाजू में स्थित विजय उर्फ पुष्पराज के रिश्तेदार के घर में घुसे और वहां पर भी मौजूद सभी लोगों के ऊपर तलवार और चाकू से हमला कर उन्हें भी बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसमें एक 5 वर्षीय बालक को भी चाकू मारे गए और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। बदमाशों के आतंक की वजह से साई नगर के किसी भी व्यक्ति ने मदद नहीं की। इस दौरान लगभग 2 घंटे तक पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची। बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेजा और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया है। गोरखपुर थाना पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। परिजनों का आरोप है कि विजय उर्फ पुष्पराज से जब मामूली विवाद हुआ था, उसी वक्त यदि पुलिस कार्यवाही करती तो शायद बदमाश इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं देते। क्षेत्र में बदमाशों का जबरदस्त आतंक है। ये जो विजय मौर्य कुशवाहा भी लिखता है, ये बीजेपी से बूथ अध्यक्ष रहे, तो हम लोग एकदम शांत सिंपल रहते, तो इनने जबरदस्ती एक दूसरे के विवाद से हम लोग के ऊपर अटैक किया, मतलब उसका कॉलर पकड़ के धक्का मारा। ये पहले का विवाद था, तो फिर शांत हुआ थोड़ा दिन। इसके बाद फिर कल जो घटना हुई, तो उसमें मैं गांव चला गया तो अकेला पड़ गया। तो यहाँ बाहर से कुछ गुंडे आए, कुछ साई नगर के रहे, तो उन्होंने मारा और ये हालत कर दिया। जब तक हम लोग रहे तब तक अच्छा रहा, और हमारे जबकि जीजा से कोई मतलब नहीं, जीजा को भी पीटे और बहन को भी मारे, लेकिन हम लोग कोई गलती नहीं की। और हमारे जो साई नगर वासी हैं, ये सब डरते हैं, क्योंकि वो गुंडागर्दी वाले वो लोग हैं, तो लोग सब डरते हैं, इसीलिए ज्यादा वो लोग गवाही भी नहीं दे रहे हैं डर के कारण। इनको बस वही गुंडागर्दी का पैसा है सर, और हम लोग शांति से रहे हैं, और ये लोग हमारे जो साई नगर वासी हैं अकेले में बोलते हैं कि आप लोग सही हो, लेकिन इतना दहशत है लोग की, गुंडागर्दी आए दिन होती है। थाने में किए तो कितने लोग सुनेंगे। एक तिवारी सर है, उनका कुछ नाम है, वो मेरे पास वीडियो भी एक रखी है, तो लेकिन वो मेरी जो विजय की घर वाली है, उसको जो चोटें आई हैं उसके मोबाइल में सब है, तो जो धमकी उनकी भरे वो मतलब हम लोगों ने वीडियो बना लिए थे, हमारे ऊपर भी धमकी दिया था, मैं बैठा रहा शांति से, तो उन्हें डंडे मारे लेकिन डंडे के वीडियो नहीं आया। बाकी वो दो लड़कों का भी वीडियो आ गया है, एक का नाम कल की घटना में बोल रहे हैं, मेरे को क्लियर नहीं पा रहा, विनय था राजा और उसका महेश और एक और उसका जीजा था शायद, तो इतने लोग रहे और ये बहुत आतंक मचा कर रखे, लेकिन हमारे नगर में कोई भी ये नहीं बोलता कि इसने मारा, इतना डर रहे। ये जो बीजेपी के नेता है, ये कब से है और क्या है? ये कम से कम सर 2 साल हो गए बहुत अध्यक्ष, बहुत ईमानदारी से काम है, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग का झंझट है, कुछ नहीं। कौन से बूथ के अध्यक्ष? ये 238 साई नगर, हाँ 238 साई नगर। आपका सर नाम? शैलेंद्र कुशवाहा। कहाँ की घटना? ये रामपुर साई नगर जबलपुर। नेता थे, उनकी क्या उम्र है? उनकी 24 साल, मेरे छोटे भाई है। जो घायल है वो एक मेरी बहन है और एक विजय की घर वाली मिसेज। उनका कोई बच्चा भी? नहीं, एक वो मेरी बहन का बच्चा है, तो उनसे कोई वो नहीं है, लेकिन तभी भी उसको मारे। कल दिनांक 14/6/2021 को साई नगर रामपुर क्षेत्र में स्थित विजय उर्फ पुष्पराज कुशवाहा
उम्र 24 वर्ष को मारपीट से चोटें आई थी, काफी चोटें हैं। इसका पोस्टमार्टम कर प्रकरण कायम कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। 302 का अपराध कायम किया गया। घटना की क्या वजह थी? अब घटना की वजह उसके परिजनों से पूछताछ की, उसके परिवारजनों को भी चोटें आई जो भर्ती अस्पताल में, भाई पूछताछ कर कथन लेंगे तो सत्यता प्रकट होगी कि इस बात से विवाद हुआ। दो लोग घायल हैं, उनका वार्ड नंबर 12 में भर्ती हैं। अभी उनका मैं कथन लेने जा रहा हूँ। महिला? हाँ, एक महिला है। जो अपराधी है ये कौन है? प्रकरण की विवेचना चूंकि थाना प्रभारी महोदय द्वारा की जा रही है, उससे विस्तृत जानकारी लेकर मैं आपके बाद में कुछ कराऊंगा। कई दलों का कहना है कि पिछले बार तो पता, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। विवेचना में तथ्य आएंगे तो पता चल जाएगा। नहीं, ऐसा कोई जानकारी मुझे प्राप्त नहीं। यशवंत तिवारी, थाना गोरखपुर। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।